मातरम स्टूडेंट्स, आज हम कैटरपिलर बनाने वाले हैं। इसके लिए पहले हम वाइट पेपर लेंगे, या आपके पास कलर्ड पेपर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो आप है ना, आपकी मम्मा का जो बैंगल होता है ना, उससे आप क्या करो, उसे ऐसे रखो और सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है। जैसे मैम कर रही है ना, ऐसे आपको सर्कल ड्रॉ करने, ओके। ऐसे हमें बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करने, कितने 7 सर्कल्स हमको ऐसे ड्रॉ करने हैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड 4 सर्कल, ओके। ऐसे आपको 7 सर्कल ड्रॉ करने हैं, कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं। और जब हमारे मैंने यहाँ पर 6 सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, और मैं इसे सीजर की हेल्प से क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी, ठीक है। कट कैसे करना है, कट आप अपनी मम्मा से करवाइएगा, ठीक है। आपको कट नहीं करना है, आपकी मम्मा आपको कट करके देगी, फिर आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको खुद को करनी है, ओके। यहाँ पे मैंने 7 सर्कल्स कट कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कलरिंग का, ठीक है। तो हम इस सर्कल पर डिफरेंट कलर करेंगे, ठीक है। हर एक सर्कल पर हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है। सपोज एक पर हमने कर दिया है रेड कलर, कौन सा रेड कलर, ओके। ये रेड कलर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह हम ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर भी करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें इन सर्कल्स पर ये कलर्स फिल करने हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। ये हमने इन जो हमने सर्कल्स कट किए थे उस पर मैंने कलर कर दिया है, ओके। फर्स्ट मैंने रेड कलर को रखा है, सेकेंड नंबर पे ग्रीन कलर है, थर्ड नंबर पे ऑरेंज कलर है, और फोर्थ पर येलो है, फिर ब्लैक है, फिर पिंक है, और फिर पर्पल है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो रेड कलर है ना, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो हम इसकी क्या कर देंगे, कलर ब्लैक मार्कर या कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, उससे आपको यहाँ पर इसकी आईज ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लाइक दिस, ओके। आईज ड्रॉ करने के बाद हम इसकी नोज ड्रॉ कर देंगे, स्मॉल सी, है ना, एक पॉइंट जैसे, ठीक है। फिर हम इसकी स्माइल ड्रॉ करेंगे, ओके, लाइक दिस, ओके। ये हो गई इसकी स्माइल, अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, इसे हम है ना, इन सारे को, ये सारे जो कटिंग किए हुए जो सर्कल्स है ना, उन्हें हम उल्टा कर देंगे लाइक दिस, ठीक है, ताकि हमको चिपकाने में इजी हो, है ना। ओके, लाइक दिस, डिस्टेंस नहीं रखना है इनके बीच में आपको, ओके okay?
ओके अब क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, पता है ना धागा, ठीक है। उस धागे को हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर यहाँ तक हम क्या कर देंगे, इसको स्टिक कर देंगे। किसके हेल्प से, टेप होती है ना, टेप की हेल्प से। ओके ओके ये मैंने सेलो टेप ली है, इसके हम छोटे छोटे कटिंग करेंगे ना, पार्ट्स कट करके यहाँ पे स्टिक करने, ठीक है। ये सेलो टेप मैंने ली है, इसके छोटा सा पार्ट कट किया है मैंने, और इसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको स्टिक कर दिया है, ठीक है। इसके अदर पार्ट्स भी हम इसी तरीके से स्टिक करेंगे। ओके इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका अब हर पार्ट को मैंने क्या कर दिया, स्टिक कर दिया है। ओके दिखाई दे रहा है आपको, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल साइज के टू थ्रेड कट किए हैं, जिसके हम बनाएंगे एंटीनास। क्या बनाएंगे, एंटीना। कैसे बनेगा एंटीना, पहले आप लोग देखो, फिर मैं इसे स्टिक करूँगी। ओके लाइक दिस, ये दोनों है ना इक्वल होने चाहिए, ताकि ये थोड़े अच्छे लगे, है ना, लाइक दिस। ओके ये एंटीना हम क्या कर देंगे, स्टिक कर देंगे। ओके इसे हम सेलो टेप की हेल्प से अगेन इसे भी हम क्या कर देंगे, इसे स्टिक कर देंगे, है ना। सेलो टेप इस पर स्टिक कर देंगे तो ये परमानेंट बन जाएंगे। ओके हमारा कैटरपिलर रेडी हो चुका है, और हम इसे इस तरीके से खेल सकते हैं। ओके अब क्या करेंगे हम, दिख रहा है आपको, रेडी हो गया ना हमारा कैटरपिलर। अब हम इसे अपनी नोटबुक में स्टिक कर देंगे। ओके स्टिक करने के बाद हम यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्रास ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमारा कैटरपिलर है जो और भी अच्छा लगे, है ना, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। अंडरस्टैंड, ओके ये आपका कैटरपिलर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है ना, स्टिक हो चुका है। और आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से इस कैटरपिलर को स्टिक करना है। ओके थैंक यू।